राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों इस पोस्ट में जानेंगे मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक कब कहां और कैसे जलाना चाहिए और क्यों जलाते हैं, इसका क्या महत्व है। मौनी अमावस्या इस साल 9 फरवरी शुक्रवार के दिन है। उस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करते हैं क्योंकि हर अमावस्या के दिन पितर पितृ लोक से धरती पर आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उनका वंश उनको तृप्त करेगा। जब पितर तृप्त नहीं होते तो वे दुखी हो जाते हैं। उनकी नाराजगी के कारण पितृ दोष लगता है। दुखी पितर अपने वंश को श्राप देते हैं जिससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए जितना तर्पण दान श्राद्ध आदि करना जरूरी होता है उतना ही दीपक जलाना भी आवश्यक है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन कब कहां और किस तरह से पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। पहले जानते हैं कि दीपक क्यों जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त होने पर वे अपने लोक वापस लौटते हैं। पितृ लोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा ना हो इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। इसे वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख शांति समृद्धि धन दौलत वंश यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं पितरों के लिए दीपक कहाँ जलाएं और किस समय जलाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 पर होगा सुबह और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 6:06 पर। इस समय जाड़े का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व जला देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। इसके अलावा आप घर के दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं। और आप जानते हैं पितरों के लिए दीपक कैसे जलाना चाहिए। इसके लिए मौनी अमावस्या पर आप मिट्टी का एक दीपक लें, उसे पानी से साफ करके अच्छे से सुखा लें और शाम के समय उस दीपक में सरसों का तेल भर लें। फिर उसमें रुई की बत्ती लगाएं, फिर अपने पितरों का स्मरण करके उस दीप को जलाएं। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं हे पितृगण मौनी अमावस्या को आपके लिए ये दीप जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो, आप इसे स्वीकार करें और इसे तृप्त हों। पितृपद के समय में आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीप जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है तो इस मौनी अमावस्या पर आप भी अपने पितरों के लिए इस तरह से दीप जलाएं ताकि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों मौनी अमावस्या से संबंधित अन्य सभी जानकारी के लिए इसके अलावा आने वाली सभी पूजा तिथि मुहूर्त और समय के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कई ज्योतिषाचार्य और पंचांग की गणना के आधार पर सही समय मुहूर्त और उससे संबंधित सभी जानकारी लेकर आते हैं। बेल आइटम को जरूर दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों हम लीवर सोसिस सहित कई तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जिसकी वजह से
पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। हम जानते हैं कि आपको हमारी आवाज़ पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग जरूर करें, अपना साथ हमें अवश्य दें। हमें उम्मीद है अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।